बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है कि विच हाइब्रिडाइजेशन वुड यू एक्सपेक्ट फॉर द सेंट्रल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे पास BeCl2 है तो उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, BF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, CH4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और C2H2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रूल याद कर लेते हैं, वन रूल आप याद कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ, वन रूल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, यानी कि वो ऑर्बिटल्स जिनके पास लोन पेयर है सॉरी जिनके पास ओनली लोन पेयर नहीं सॉरी ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, यानी कि वो ऑर्बिटल्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, यानी कि बॉन्ड पेयर्स हो या फिर वो क्या नाम है वो लोन पेयर हो, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये दो रूल्स अब आपने ध्यान में रख लेना। सबसे पहले तो हम BeCl2 की बात करते हैं, तो BeCl2 के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है बेरीलियम। बेरीलियम यहाँ पर एक क्लोरीन से अटैच है और बेरीलियम यहाँ पर एक क्लोरीन से अटैच है। हमने प्रिडिक्ट करनी है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो हम उससे पहले करेंगे क्या कि हम बेरीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। देखिए बेरीलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। लेकिन अब देखें इधर 2s2 के अंदर भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 2s2 पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि 1s2, फिर उसको करना पड़ेगा 2s1 और फिर उसको करना पड़ेगा 2p1, ताकि ये क्या करें 2s1 और 2p1 ये पार्टिसिपेट करें इन हाइब्रिडाइजेशन। 2s1 और 2p1 ये क्या करें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। अब आपको ये बात पता होगी बेटा कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन हो गए तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक s ऑर्बिटल जिसकी शेप थी स्फेरिकल और जो p ऑर्बिटल होगा ये यकीनन px ऑर्बिटल होगा, तो px ऑर्बिटल जिसकी शेप थी डंबल, इन्होंने आपस में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए, यानी कि एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया और एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसा बना लिया। यानी कि ये जो बेरीलियम है इस बेरीलियम के पास बेटा क्या होगा कि दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस बेरीलियम के पास यहाँ पर आ गया sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सिमिलरली एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बेरीलियम के पास यहाँ पर आ गया। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल के अंदर होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप पढ़ेंगे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 फिर होती है 3s2 और फिर होता है 3p5। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा वो 3p5 के अंदर कहीं पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये sp ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बना रहा होगा इस जगह पर। ये मैंने खूबसूरत सा जो आपको बॉन्ड बनाया है यहाँ पर ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग हुई, ये पी ऑर्बिटल है सही है। लेकिन ये पी ऑर्बिटल किससे बिलोंग करता है, ये पी ऑर्बिटल बिलोंग करता है क्लोरीन से। इसी तरह एक और पी ऑर्बिटल बेटा यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन का होगा जो कि पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक लीनियर सी शेप बनेगी बेरिलियम की और दो क्लोरीन्स की, सही ना। ये दोनों क्लोरीन्स को मैं थोड़ा सा नुमाया करके लिख देता हूँ, ये दो क्लोरीन्स यहाँ पर आ गए, इन दोनों क्लोरीन्स को मैंने नुमाया करके लिख दिया, ये BeCl2 की शेप है। अब यहाँ पर हमें कॉन्क्लूजन क्या मिलेगा, एक तो सबसे पहले हमें शेप पता चल गई कि शेप जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी लीनियर, शेप हो जाएगी लीनियर और साथ साथ में जो एंगल होगा एंगल यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और इधर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड्स, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। आई होप यू गेट द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट BF3 के ऊपर। BF3 के अंदर क्या समझना हमें, सबसे पहले BF3 के अंदर हमने सेंट्रल एलिमेंट जो है वो बोरॉन है, यानी कि एक बोरॉन यहाँ पर, एक फ्लोरीन अटैच्ड है यहाँ पर, एक फ्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पर एक फ्लोरीन अटैच्ड है। तो बोरॉन के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, बोरॉन को जरा देखते हैं, बोरॉन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2
2s2 और साथ में क्या हो जाएगा 2p1। अब आप देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेकिन ये है ग्राउंड स्टेट पे। बोरॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में सिर्फ एक इससे बॉन्ड बना पा रहा है, यानी कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यही है। 2s के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोरॉन उससे बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बताना पड़ेगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, कि जो एस ऑर्बिटल है अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक और पी ऑर्बिटल को दे देगा, ये क्या हो जाएगा 1s2। फिर इस तरह से हो जाएगा 2s1, फिर हो जाएगा 2px में एक, 2py में एक। तो देखिए अब आप देखें यहाँ पे आपके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बोरॉन तीन जगह से बॉन्ड बना सकेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक एस ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल और एक py ऑर्बिटल, यानी कि एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे, तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे हमारे पास तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, यानी कि जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं। तो तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि bf3 के अंदर जो बोरॉन है इस बोरॉन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे बना दिया, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे बना दिया और एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नीचे बना दिया। सही है, तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्लोरीन बना लिया। हालांकि ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पी ऑर्बिटल के अंदर है, लेकिन बस मैं यहाँ पे फ्लोरीन ऐसे करके बना देता हूँ, ये पी ऑर्बिटल लिख देता हूँ, बस बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं पी ऑर्बिटल अगर बनाने बैठा तो फिर दोबारा बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन है, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, ये भी पी ऑर्बिटल के अंदर, ये भी पी ऑर्बिटल के अंदर, ये भी पी ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि sp2 और पी ऑर्बिटल के दरमियान में ये बॉन्ड्स बन रहे हैं। कॉन्क्लूजन क्या लिखूंगा, कॉन्क्लूजन होगी यहाँ पे जो शेप होगी तीन कोनों की वजह से, ये शेप हो जाएगी ट्राइगोनल। और जो एंगल होगा यहाँ पे, यहाँ पर एंगल जो होता है बेटा इस जगह पे एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता बल्कि ये थ्री डायमेंशनल शेप होती है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो 120 डिग्री जा रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर और क्या लिखूंगा, सिग्मा बॉन्ड्स कितने, तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर लिख देना थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हैं हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड्स हैं हमारे पास थ्री। अभी हो गया bf3 का, अब चलते हैं CH4 पे। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे CH4 की। तो CH4 के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इस कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे ये कार्बन चार जगहों से बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन और चार जगहों से बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। तो हमारे पास चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं ये कार्बन। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट में लिखूँ तो ये हो जाएगा 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। यहाँ पे क्या होगा कि ये चार जगहों से बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब होगा क्या बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो एक एस ऑर्बिटल, एक पी एक्स ऑर्बिटल, एक पी वाई ऑर्बिटल और एक पी जेड ऑर्बिटल, टोटल चार ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं जिसमें एक एस है और तीन पी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास अब जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो ऑर्बिटल्स हो जाएंगे चार, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, फिर एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, फिर एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, फिर एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, यानी कि चार कंबाइन होंगे तो चार नए फॉर्म होंगे। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के पास एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऊपर बना दिया, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल साइड बना दिया, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर बना दिया। और बेटा एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी कि इन तीनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। अब जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर की तरह से मैंने ड्रॉ किया। सही है, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये भी sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन SSS ऑर्बिटल के अंदर होता है। यहाँ पर बॉन्ड AK बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया और एक बॉन्ड बेटा यहाँ पे बन गया। अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो हुई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। और यहाँ पर शेप क्या हुई है, शेप है हमारे पास टेट्राहेड्रल, शेप है हमारे पास टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर बेटा जो बॉन्ड एंगल है
वो बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड एंगल है हमारे पास 109.28 डिग्री। और साथ साथ में आखिरी चीज क्या है यहाँ पे, वो है सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, फोर सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाए बढ़ते हैं नेक्स्ट सी टू एच टू के ऊपर। सी टू एच टू के ऊपर क्या हो रहा है, सर चेक करते हैं बेटा सी टू एच टू के अंदर क्या हो रहा है। सर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, ये दो कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। फिर इनके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। अगर हम गौर करें तो ये जो बॉन्ड है, ये पहला बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसका मतलब कि कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब जब तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आप पीछे इसको रिवाइंड कर कर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब किस तरह से एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी कि यहाँ पर बेटा एक कार्बन जो है इसके पास तीन एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, यानी कि एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। एक सेकंड में हटा देता हूँ। एक कार्बन जो है, इस कार्बन के पास तीन एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, ये साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो कार्बन है इसके पास तीन एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, एक एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एक एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एक एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर भी एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सिमिलरली एक कार्बन और है, इस कार्बन के पास भी तीन एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, एक यहाँ पर आ गया, एक एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया और एक एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तीन एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तीनों के पास है। यहाँ पे ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, इनके दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इनके दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कॉन्क्लूजन क्या बोलूंगा मैं, कॉन्क्लूजन ये है कि यहाँ पर पांच सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, फाइव सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, और जो शेप है एक कार्बन को देखते हुए देखते बताते हैं, तो शेप जो है वो यहाँ पर है ट्राइगोनल, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, हमने एक चीज इग्नोर करी थी, वो ये था कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड था, यानी कि एक पाई बॉन्ड था। वो पाई बॉन्ड कैसे बना होता है कि एक पी जेड ऑर्बिटल होता है कार्बन का, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसने पार्टिसिपेशन नहीं करी हुई होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो पी जेड ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा होता है। इस तरह करके साइड बाय साइड शेयरिंग करके, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये जो होता है वो पाई बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये फाइव सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं प्लस एक पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है। तो आई होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।